सहारनपुर में मंडलायुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में मंडलीय राजस्व लेखपाल प्रशिक्षण सत्र 2024-25 का शुभारंभ बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में मंडल के 153 लेखपालों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल 153 प्रशिक्षुओं में 91 सहारनपुर, 40 मुजफ्फरनगर एवं 22 शामली के हैं। सहारनपुर के देहरादून चौक खान आलमपुरा स्थित एक बैंकेट हॉल में अंसारी समाज को जागरूक करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन जफर अंसारी पार्षद व आसिफ अंसारी पार्षद और हाजी अब्दुल करीम अंसारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अंसारी बिरादरी के अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और बिरादरी को एकजुट करने के लिए जोर दिया गया। इस दौरान इनाम अंसारी, जमशेद अंसारी, इकराम अंसारी, दिलदार अंसारी, महताब अंसारी सहित भारी संख्या में बिरादरी के लोग उपस्थित रहे। सब बिरादरी को एकजुट होने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि हम भी किसी अपनी मुख्य धाराओं में किसी अपनी बिरादरी को शामिल करा पाएँ और अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन और अच्छी योजनाओं का लाभ हम भी ऐसे ले सके जैसे और बिरादरी ले रही है। अपने किसी अच्छे नेता को पार्लियामेंट में भेज पाएँ अपने से बीच में से, उसका प्रयास है, उसका प्रयास किया गया है और सबका धन्यवाद आने के लिए जितने लोग यहाँ हैं। ऐसा क्यों हुआ, पहले भी क्या था, अब क्यों किया गया? देखिए पहले भी हुआ है, हम उनके वहाँ तो उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कोई। अब हमने शुरुआत की है और सबसे उम्मीद है कि हम इसके जो बीड़ा उठाया उसको अंत तक होती रही। इलेक्शनों के टाइम पे होती थी, वो मीटिंग फ्लॉप हो जाती थी। अब कोई इलेक्शन नहीं है और ना कोई मुद्दा है। अब तो हमारा मुद्दा ये है पल्ला वार्ड 28 और वार्ड 32 जफर अंसारी, आसिफ अंसारी और जो हमारे मौजूद जिम्मेदार साथी हैं वो एक होके अपनी बिरादरी को, इतनी बड़ी बिरादरी को लेके जोड़ने का काम करें। और इनकी जो सोच थी, जफर भाई ने मुझे जो बतलाया, विवाह की मदद और शिक्षा और बीमारी जैसे हमारे कमज़ोर आदमी हैं उनको साथ में लेके चलना। रही बात जफर भाई से, जब मैंने कहा, मना कर आपने निर्णय बहुत अच्छा लिया, इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिला के जितनी पूरी टीम है साथ चलना काम करेंगे। अगर अपनी कौम, अपने आवाम के लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़े। सहारनपुर के मंडी समिति रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा टीचर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मशहूर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अध्यापकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नवाज देवबंदी ने शिक्षकों को सबसे बड़ा दायित्व बताते हुए कहा कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करें जिससे वो आगे जाकर तरक्की करें। इस अवसर पर गयूर आलम, मुजाहिद नदीम, अफनान अहमद, सलमान थानवी, हमीद सराहा, आज़ाद खान, सब्बर खान, वजाहत अली, मुजीब राजी आदि मौजूद रहे। एक बहुत अहम डे है, स्कूल्स में बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए डे होता है, टीचर डे के, टीचर के लिए एक ही डे है, 5 सितंबर। 5 सितंबर पे टीचर के जितने भी वर्क हैं वो उसके लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं और आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है टीचर्स के गुड वर्क को अप्रिसिएशन के लिए रखा गया। सर लगभग कितने बच्चों पार्टिसिपेट किया? यहाँ बच्चे तो नहीं है, सब टीचर्स हैं। लगभग 250 टीचर्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 125 स्कूल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। नवाज साहब ने गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया है, उन्होंने कहा है कि बेटियों की एजुकेशन बेटों से ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कहना है कि बेटा पढ़ेगा एक पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो 3 पीढ़ियाँ पढ़ेंगी।